आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी, केंद्रीय कर्मचारियों की फिर लगने वाली है लॉटरी, अब सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, कर्मचारियों को कौन सी खुशखबरी मिलने जा रही है, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, 47,68,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जुलाई में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ा सकती है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार का यह फैसला होता है तो केंद्र सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के डीए और डीआर में जुलाई में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। एआईसीपीआई ने मार्च के आंकड़े जारी कर दिए हैं जिसमें 1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों का जुलाई में 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 37% हो जाएगा। दरअसल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 बार रिविजन होता है। पहला रिविजन और दूसरा रिविजन, जो पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में। सरकार ने हाल में 3% डीए की बढ़ोतरी की है। अगर महंगाई भत्ता जुलाई में रिवाइज होता है तो इसमें फिर 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 2 महीने लगातार कमी आने के बाद मार्च 2022 में 1 पॉइंट का उछाल देखा गया है। यही कारण है कि डीए बढ़ने की उम्मीद जाग उठी है। हालांकि अभी अप्रैल, मई और जून के नंबर आने बाकी हैं, इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, एआईसीपीआई में जनवरी फरवरी में हल्की सी गिरावट आई थी और जनवरी में डेटा घटकर 125.1 था, जो फरवरी में 125 अंक पर आ गया। अब मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुंच गया। अगर आने वाले महीनों में भी यह बढ़ जाता है तो डीए बढ़ना तय है। खबरों के मुताबिक जुलाई में फिर से डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। जुलाई 2021 में केंद्र ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 1.5 साल से डीए को रोक दिया था। अक्टूबर 2021 में 3% और बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़कर 31% हो गया था। अब इसे 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।